पूरा विश्व कोरोना के कहर से करहा रहा है। देश में तबलीगी जमात के लोगों ने ऊपर से और कहर बरपा रखा है। जमाती देश में कोरोना के चलते फिरते सबसे बड़े वाहक के रूप में पहचाने जाने लगे हैं। कई जगह तो ये इतने बेलगाम हो गए हैं कि कानून को ठेंगा दिखाने से भी नहीं चूक रहे। जमातियों की वजह से शहर शहर अब कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। गए थे मजहब का पाठ पढ़ने और लौटे तो कोरोना वायरस लेकर। तबलीगी जमात के लोग दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज से लौटे तो कोहराम मच गया। देश के जिन जिन शहरों, गांवों, कस्बों, गलियों में गए, वहां अचानक से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया। तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस हमें 17 स्टेट से मिले हैं। 1023 पॉजिटिव केसेस रिलेटेड विद दिस इंसिडेंट हैज बीन नोटेड अक्रॉस 17 स्टेट्स। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अब तक हमारे देश में जो टोटल केस आए हैं उसमें से करीब 30% केस, 30% केसेस आर लिंक टू वन पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी कुड नॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड इट एंड मैनेज इट। हैरानी की बात यह है कि तबलीगी जमात की बेशर्मी भी नहीं थम रही, ये जानते हुए कि उनकी वजह से आज देश दहशत में है। आज देश पर कोरोना का संकट और गहरा गया है। यूपी के प्रयागराज में तो गुंडागर्दी पर उतर आए। तबलीगी जमात पर एक युवक ने टिप्पणी की तो उसे जान से हाथ धोना पड़ा। वहाँ आपस में उसी गांव के रहने वाले कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और इधर से हिंदू समुदाय के लोग, दो तो लोग आपस में बैठे हुए थे। इनका ऐसा कहना है कि वो कोरोना को लेकर के आपस में कुछ कहा सुनी हुई जिसमें दोनों पक्षों से भीड़ इकट्ठा हुई और उसमें किसी की फायरिंग से लोटन नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई मौके पर। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर लिया है, शेष अभियुक्तों की भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। लखनऊ में तबलीगी जमात के 12 लोगों के दिल्ली के सदर बाजार में लौटने की खबर मिली तो प्रशासन अलर्ट हो गया। लखनऊ कैंट इलाके को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया। सिर्फ QRT और मेडिकल टीम को ही इस इलाके में जाने की इजाजत है। वहीं मुस्लिम समुदाय से जुड़ी संस्था भी तबलीगी जमात की इस हरकत को गंभीर बता रही है। कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जब काबा शरीफ में सऊदी अरब में इमाम ने इसको मना कर दिया था और उनके वहां भी कोई उमरा में नहीं जा रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि जहाँ बीमारी फैले वहां ना जाओ और शहर के लोग भी बाहर ना जाए, तो जब हमारे तबलीगी जमात के लीडर लोग थे उनको चाहिए था कि ये प्रोग्राम कैंसिल कर देते। तबलीगी जमात के जहर ने राजस्थान में भी कोहराम मचा रखा है। जयपुर के रामगंज में 39 पॉजिटिव मामले आए हैं। आपको बता दें कि रामगंज मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहां पहले कोरोना पॉजिटिव के चार्ट में तबलीगी जमात का भी जिक्र होता था, वहां अब गहलोत सरकार के आदेश के बाद कोरोना पॉजिटिव के चार्ट से तबलीगी जमात का कॉलम हटा दिया गया है। हालांकि ये ऑर्डर जुबानी है, इससे पहले स्वास्थ्य विभाग तबलीगी जमात से जुड़े हुए मामलों को एक अलग कॉलम में डेटा भेजता था। कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो मामले अब तक चार्ट में दिए जा रहे थे वो अब नहीं दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि जिस तरह से एक माहौल बन रहा है अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ, उसे देखते हुए यह तय किया गया है कि आगे से तबलीगी जमात से जुड़े हुए कोरोना पॉजिटिव के मामले अब सरकार नहीं देगी। तबलीगी जमात के लोगों का बड़ी संख्या में भारत नेपाल बॉर्डर पर जमावड़ा हो गया है। बिहार से सटे नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने 1000 मौलवियों को पकड़ा है, जिनमें कई पाकिस्तानी मुसलमान भी हैं। इसी को देखते हुए बिहार पुलिस भी अलर्ट है। टाइम में जो जान बुझ करके इस तरह की बदमाशी करेगा कोई आदमी, उस पर नेशनल मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी केस होगा, IPC की धाराओं के अंतर्गत भी केस होगा। केस करने का आदेश दे दिया गया है, उन पर मुकदमा हो गया है, क्वारंटीन खत्म होगा, उसके बाद जो जो बदमाशी किए हैं वो जेल जाएगा। वहीं हिमाचल में तबलीगी जमात को पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा है कि जो लोग मरकज से लौटे हैं वो अपनी जानकारी दें, वरना उन पर हत्या का केस दर्ज होगा। हिमाचल की सरकार इस मामले में काफी गंभीर है। जा करके जानकारी दें कि हम उस कार्यक्रम में थे, हमारी भी जांच करिए,
अपने आप स्वयं आगे आकर के सहयोग दें। अगर सहयोग मिला तो उचित अच्छा रहेगा, अगर सहयोग नहीं मिला, इस तरह से आगे आकर के हमको सहयोग देने के लिए नहीं आएंगे, तो उसके बाद बहुत कठोर कार्रवाई करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। तबलीगी का जाल देश के कई कोनों तक फैला है। यूपी में रविवार को कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 49 मिली, जिनमें से 44 मरीज तबलीगी जमात के निकले। वहीं हरियाणा में अब तक 74 कोरोना के मामले आए हैं। रविवार को 6 मामलों में से 4 जमाती के लोग संक्रमित हैं। वहीं पंजाब में 68 में से 1 तबलीगी जमात का शख्स कोरोना पॉजिटिव है। केरल में 8 नए मरीजों में से 4 तबलीगी जमात से जुड़े हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के कर्नूल में कुल 53 में से 49 मामले तबलीगी जमात से ही आए हैं। जाहिर है तबलीगी जमात का खामियाजा आज देश भुगत रहा है, अब इस संकट से निपटने की सबसे बड़ी चुनौती है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, पटना से सुजीत झा, जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।